पिछले साल कोरोना वायरस की महामारी और लॉकडाउन के बने हालातों के बाद पिछले 11 महीनों से बंद हालत में वैसी वडोदरा न्याय मंदिर कोर्ट को आखिरकार आज से फिजिकली कार्यवाही के तहत प्रारंभ करते हुए वकील और असीलों में एक खुशहाली देखने को मिली थी, जहां 11 महीनों के बाद वडोदरा कोर्ट का परिसर एक बार फिर लोगों की चहल पहल से झूम उठा था। कोरोना वायरस की महामारी और लॉकडाउन के बने हालातों के बाद पिछले 11 महीनों से वडोदरा जिला न्यायालय यानी कि वडोदरा की कोर्ट बंद हालत में थी, जिसमें विचुअल यानी कि ऑनलाइन कार्यवाही के तहत हर एक केस और उसका निकाल किया जाता था। तो वहीं पिछले लंबे वक्त से वडोदरा कोर्ट सहित बार एसोसिएशन द्वारा फिजिकली कोर्ट कार्यवाही चालू करने के लिए ढेरों बार रजूआतें की गई थी। 11 महीनों से बंद हालत में कोर्ट रहने के कारण वकीलों की हालत काफी दयनीय बनी थी। तो वहीं आर्थिक परेशानी जूझ रहे वैसे वकील बार एसोसिएशन द्वारा ढेरों बार सरकार को फिजिकली कोर्ट चालू करने के लिए रजूआत की गई थी, जिसमें सरकार द्वारा तबक्कावार हर एक धंधा व्यापार को छूट छाट दी गई, लेकिन वडोदरा शहर सहित राज्य भर में फिजिकली कोर्ट चालू करने के लिए कोई भी निराकरण नहीं लाते हुए कई बार विरोध प्रदर्शन भी किए गए। आखिरकार राज्य के तमाम बार एसोसिएशन ने एकजुट होते हुए सरकार को रजूआत करते हुए सरकार द्वारा फिजिकली कोर्ट चालू करने के लिए मंजूरी दी गई, जहां आज वडोदरा बार एसोसिएशन द्वारा फिजिकली कोर्ट की कार्यवाही का प्रारंभ करते हुए वकील तथा असीलों में काफी खुशहाली देखने को मिली थी। फिजिकली कोर्ट बंद रहने के कारण वकीलों की हालत काफी दयनीय बनने के बाद आज कोर्ट की कार्यवाही चालू होते हुए कोरोना वायरस की महामारी को ध्यान में रखते हुए तमाम सुरक्षा के व्यवस्था के आयोजन किए गए, जिसमें वकीलों को सैनिटाइज करने के साथ ही सैनिटाइज चैम्बर में प्रवेश करने के बाद ही कोर्ट में प्रवेश दिया गया। थर्मल गन, सैनिटाइजर तथा सोशल डिस्टेंस का पालन हो और अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के साथ ही वकील और असीलों को प्रवेश दिया गया था। तो वहीं 11 महीनों से बंद हालत में वैसी कोर्ट का परिसर लोगों की चहल पहल से गूंज उठा था। चौक्स पण हूँ कही सके इसके गुजरात राज्य ने चार मेगा लोकल मेगा कोर्टो एम वडोदरा सूरत अमदावाद और राजकोट कोर्टो अत्यारुधी बंद थी। आश्चर्य 345 दिवस बाद फरी फिजिकल कोर्ट कार्यवाही शुरू करवामां आवेल छे। आप जोई शको छो कि वडोदरा वकील वडोदरा न्याय मंदिर संकुल खाते मोटी संख्या में वकीलश्रीओ पक्षकारों तमाम हाजर छे अने नामदार गुजरात हाईकोर्ट ने गाइडलाइन मुजब चुस्त COVID-19 गाइडलाइन मुजब चोक्कसपणे चुस्त पालन करवामां आवे छे। आप जोई शको छो कि अहींया सैनिटाइजर बूथ मुकवामां आवेल छे, कोर्ट कर्मचारीओ थर्मल गन लईने उभा रह्या छे, जे वकीलश्रीओ आवे छे तेमज पक्षकारो आवे छे तेमने थर्मल गनथी एमनुं टेम्परेचर चेक करवामां आवे छे अने जो कोई शंकास्पद एवो व्यक्ति जणाई आवे तो एमने चोक्कस एमने तबीबी सारवार लेवानी पण सलाह आपवामां आवे छे। જેથી વડોદરા વકીલ મંડળ ખાતે આજે વકીલોમાં ખૂબ ઉત્સાહની લાગણી છે। 345 દિવસ બાદ એ લોકોને ફરીથી કામ કરવાનો મોકો મળ્યો છે। દિવસ બાદ આજથી કોર્ટ શરૂ થઈ છે, વકીલોને કેટલું નુકસાન થયું હશે? તમારી જે પ્રશ્ન છે એ તદ્દન સારામાં સારો છે। 345 દિવસ બાદ આજે નામદાર ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન કોર્ટ વડોદરા, રાજકોટ, સુરત અને અમદાવાદ આજે ઓપન થઈ છે। ફિઝિકલ ઓપન થવાના કારણે આજથી વકીલોમાં એક હર્ષની લાગણી છે। અત્યાર સુધી વર્ચ્યુઅલ હિયરિંગ હતું, જેના કારણે ન માપી શકાય કે ન આંકી શકાય એટલું બધું નુકસાન સિનિયરો અને જુનિયરોમાં છે। આજે કોર્ટ ઓપન થવાથી મોટી સંખ્યામાં પબ્લિક આવી રહી છે, મોટી સંખ્યામાં વકીલશ્રીઓની હાજરી છે, તેમ છતાં પોલીસ અધિકારીઓ પોલીસો દ્વારા જે આરોપીઓ અત્યાર સુધી હાજર નહોતા હતા એ વકીલ અધિકારીઓ લઈને આવી રહ્યા છે, જેથી ચોક્કસપણે કહી શકાય કે આથી જે ફિઝિકલ ચાલુ થઈ છે તેના કારણે વકીલોમાં એક હર્ષની લાગણી છે અને ચોક્કસપણે આવી અવિરત્યો ચાલુ રહેવામાં આવશે। સાથોસાથ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન જજ દ્વારા આજે માત્ર મુખ્ય ગેટ ખુલ્લો રાખવામાં આવ્યો છે, જેનાથી COVID-19 કોરોના વકરે નહીં તેની ખાસ કાળજી લેવામાં આવી છે। સાથોસાથ અહીંયા સેનિટાઇઝ બૂથ મૂકવામાં આવ્યું છે અને તમામ પબ્લિક અને આવનારા વકીલોને સેનિટાઇઝ કરવામાં આવે છે, સાથોસાથ થર્મલ ગનથી તમામનું ટેમ્પરેચર માપવામાં આવે છે, જેથી કોરોના ન વકરે તેના માટે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના ગાઈડલાઇન પ્રમાણે અહીંયા ચોક્કસપણે ખ્યાલ રાખવામાં આવે છે।